गाइस तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ओप्पो F9 जो वियतनाम में लॉन्च हो गया है और इंडिया में शायद ओप्पो F9 प्रो के नाम से लॉन्च हो सकता है। इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए, धन्यवाद। लीक्स और रूमर्स के बाद ओप्पो ने फाइनली अपना F9 प्रो लॉन्च कर दिया है। यह बहुत ही बढ़िया फ़ोन है जिसमें आपको एक 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस का स्क्रीन मिलता है और पीछे ड्यूअल रियर कैमरास मिलते हैं और इसके साथ जो आपको नॉच मिलती है वो कई मोबाइलों से अलग है। कई मोबाइल में आपको रेक्टेंगुलर नॉच मिलती है लेकिन इसमें आपको एक वाटर ड्रॉप टाइप एक सर्कुलर नॉच देखने को। उसका मेन हाईलाइट है वो है इसका डिस्प्ले। बाकी फोन्स में आपको जो नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है उसमें आपको रेक्टेंगुलर नॉच मिलती है लेकिन इसमें आपको वाटर ड्रॉप स्टाइल सर्कुलर नॉच देखने को मिलती है जो डिस्प्ले को बहुत बड़ा बना देती है। अगर बॉडी टू स्क्रीन रेशियो की बात करें तो आपको 90.8% की स्क्रीन मिल जाती है। बात करते हैं इसके हार्डवेयर की। इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो P60 देखने को मिल जाता है जो कि ओप्पो F7 में भी यूज़ किया गया था। इसके साथ जो GPU है वो माली का MP27 का GPU है। अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 3500 mAh की बैटरी मिलती है जो आपको अच्छा खासा एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से दे देगी। तो F9 Pro में या F9 में आपको वीक चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। ओप्पो क्लेम करता है कि अगर आप मोबाइल को 5 मिनट तक चार्ज करते हैं तो आपको 2 घंटे का टॉक टाइम मिल जाएगा। एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसमें आपको ड्यूअल नैनो सिम का सपोर्ट मिल जाएगा 4G वोल्टेज के साथ, वाईफाई, NFC, ब्लूटूथ, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप, एम्बिशन लाइट सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, ये सभी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये इंडिया में 21 अगस्त को लॉन्च हो सकता है। एक्चुअली वियतनाम में इसको ओप्पो F9 के नाम से लॉन्च कर दिया गया है लेकिन इंडिया में शायद ओप्पो F9 प्रो के नाम से आएगा। अगर वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, एक 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ जो एक्सपांडेबल है और 6GB 64GB रैम के साथ। इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं तो लगभग 4GB 64GB वाला मॉडल इंडिया में 20-22,000 के बीच में आने के चांसेस हैं और जो 6GB 64GB वाला है वो आपको 23-24 के बीच में देखने को मिल जाएगा।